How are you, dude? What's up, guys? Thanks for watching another episode. This is Fuse. तो आज की इस वीडियो में मैं अपने M20 को एक खतरनाक तरीके से चेंज करने वाला हूँ, मतलब इसको ऐसे नया लुक देने वाला हूँ मैं, भयंकर वाला। तो आज मेरे पास काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो मुझे काफी अलग अलग साइट ने दिए हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी को एक साथ अनबॉक्स कर दिया जाए एक वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो में और देखना कि आप कैसे प्रोफेशनल सेटअप में अपने फोन को कर सकते हैं चेंज। तो कर लेते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले मुझे यूलांजी ने कुछ भेजा है यहाँ पर, यूरिक नाम है इसका, अट्रैक्टिव सी लगती है। इसमें फ्रंट पर आपको काफी अच्छा सा एक मॉडल दिया गया है जिसमें आपको फोन देखने के लिए मिलता है, एक लेंस है और यहाँ पर लाइट लगी हुई है, और इस तरफ आप माइक देखने के लिए मिलता है। तो मैंने सारी चीजें रख ली हैं, लाकर ऐसे मतलब इकट्ठी कर ली हैं कंपनी से बात करके। तो चलिए कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वाओ, आई एम एक्साइटेड। वाओ, लुक एट दिस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ये मतलब कार्ड दिया गया है, तो अभी से साइड कर लेते हैं, इसका कुछ मुझे यूज लगता नहीं है। लुक एट द बिल्ड क्वालिटी डूड, मतलब इतनी हैवी चीज कौन देता है भाई। वाओ, यहाँ पर बेल्ट भी दिया, मतलब वीवो तेरे लिए बेल्ट, तेरी पैंट में बेल्ट नहीं है ना। बेल्ट एक्चुअली में कैमरे की तरह ही है, हैंड स्ट्रैप की तरह ही है, और यहाँ पर आपको कोई भी नहीं देखने के लिए मिलती यूजर मैनुअल। ये अच्छी बात है यार, यूजर मैनुअल वैसे भी कोई पढ़ता नहीं, अगर पढ़ना होगा तो साइट पर जाकर डायरेक्ट इसके बारे में पढ़ लेगा। तो यहाँ पर आप इसे अटैच कर सकते हैं यूलांजी के साथ और इसे कैरी कर सकते हैं अपने फोन को लगाकर, इसमें जो सांप वाली फीलिंग आ रही है इसे लगाकर। कितने आदमी थे रे सांबा, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। तो यहाँ पर इसकी बिल्ड की बात करूँ तो यार काफी अच्छी है, यहाँ पर आपको मेटल की बिल्ड देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर आप यूलांजी की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। और इससे कर सकते हैं आप अपने फोन को स्क्रू मतलब ढीला या बंद कर सकते हैं पीछे की तरफ से। यहाँ पर आपको फोन माउंट दिया गया है और प्रोटेक्शन के लिए आपको रबर पैडिंग भी दी गई है, यहाँ पर नीचे और ऊपर की तरफ भी आपको रबर पैडिंग दी गई है। और यार ये पकड़ने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई होप कि ये स्टेबिलिटी बढ़ा देगा हमारे फोन की। जैसे मेरे फोन के अंदर यानी कि M20 के अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन देख लेंगे नहीं मिलता, तो इस वजह से स्टेबिलाइजेशन के लिए मैंने ये मंगवा लिया। तो ऊपर की तरफ आपको क्वार्टर इंच थ्रेड देखने के लिए मिलता है एक, और यहाँ पर आप स्क्रू कर सकते हैं लाइट को। ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है स्टैंडर्ड शू माउंट, और यहाँ पर दो स्टैंडर्ड शू माउंट है, और यहाँ पर इस तरफ आप कर सकते हैं किसी भी लेंस को एडजस्ट, जैसे कि अभी मैं करने वाला हूँ। यहाँ से आप उसकी पोजिशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं। आई लव दिस। इसका वेट करिए करिए 200 से 250 ग्राम होगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी कर लेते हैं इसे साइड में। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया अभी, उसके लिए मुझे एक लेंस भी चाहिए, तो लेंस यहाँ पे भी हमें यूलांजी ने भेजा है। आप किसी भी लेंस को चूज कर सकते हैं, मैंने वाइड एंगल लेंस को चूज करा था। बहुत अच्छी मतलब केस में आता है, देखिए यार आई लव दिस। वाओ, लुक एट दिस। ये 69mm लेंस है जो कि एक वाइड एंगल लेंस दिया गया है आपको। ये भी बाहर से एल्यूमिनियम से बना हुआ है और यहाँ पर लिखा है 4K HD वाइड एंगल लेंस, नो डिस्टॉर्शन। भाई साहब, मतलब भाई साहब क्या ले लिए हैं ये आप। और साथ ही साथ यहाँ पर क्लिप दी गई है, तो अभी इसका तो मुझे काम है नहीं, मैं उसमें लगाऊंगा डायरेक्ट। क्लिप से आप अपने फोन में एडजस्ट कर सकते हो। आपको लेंस सेपरेट मंगवाना है तो आप लेंस भी बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 16mm लेंस, यहाँ पर आपको हुड भी दी गई है इसके साथ। वाओ, बिल्कुल प्रोफेशनल, मतलब जैसे हमें DSLR के अंदर हुड देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर आपको ऐसा कपड़ा दिया गया है, कपड़ा मारकर इस पर पहनाना। बहुत ज्यादा हार्ड है यार इसे ओपन करना, यहाँ से ट्राई करते हैं। अबे यार, मैं 1 घंटे से लगा हूँ इसे खोलने के लिए आगे से। वाओ, तो यार ये काफ़ी अच्छा सा लेंस है, और यहाँ पर हमें ये ND फिल्टर दिया गया है जिससे हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं लाइट को और काफ़ी अच्छी क्लियरिटी मिल सकती है हमें। और यार ये ना प्रोफेशनली कैमरे के अंदर यूज़ होता है ND फिल्टर, क्या गजब वाली फीलिंग दे रहा है ये, मोह माया। अभी इसे लगा कर देखते हैं अपने यूलांजी में। वाओ, ये बिल्कुल प्रोफेशनल वाली फील दे रहा है, एंड आई एम इन लव विद दिस डूड। थर्ड प्रोडक्ट लाया जाए, यहाँ पर सब कुछ चाइनीज में लिखा है, तो अभी पहले से अनबॉक्स कर लेते हैं फिर मुद्दे की बात करेंगे कि ये काम की चीज़ है नहीं है। यूजर मैनुअल, हाँ वारंटी कार्ड, लुक एट दिस। फिर आ जाती है यहाँ पर हमारे पास लाइट, अभी पहले और देख लेते हैं फिर करेंगे इसे अनबॉक्स। चार्जर, होप चार्जर, क्रॉस योर फिंगर। ओ, कोल्ड शू, कोल्ड शू को हम ना इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था उसके अंदर स्टैंडर्ड शू माउंट दिया गया है। सो अभी ये शेप लेने लगा है धीरे धीरे, ऐसे भयंकर वाली। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन इंटरेस्टिंग तो होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है भाई आपका इसके अंदर। ओहो, मेन चीज़ पूरे बॉक्स के अंदर यही चीज़ होती है मेन जिसे हम दिखाते हैं। तो यार अभी ये चार्ज है नहीं तो इसे चार्ज कर लेते हैं, और यहाँ पर मुझे बैटरी नहीं दी यार इन्होंने। अरे, तो यहाँ पर ये लाइट मैंने लेकर कर दी गड़बड़ी, इसके साथ तो चार्जर ही नहीं दिया उन्होंने। डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देंगे हम इसका, नहीं गलत चीज़ का नहीं देंगे कभी भी। या तो ये चाइनीज पागल हो चुके हैं या इन्होंने हमारा पागल बनाने की कोशिश करी है, जो भी है व्हाटएवर, जो भी है यही है यार, आप इसे बाय मत करना बस। तो इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब लास्ट वन एंड ओनली,
लास्ट थिंग ऐसे खतरनाक वाली। और एक बात हो रहा है, यहाँ कोल्ड शू माउंट से ना आप इसे ऐसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं और प्रोफेशनल वाला लुक ले सकते हैं। हाय रब्बा, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ऐसे फीलिंग दोगे ना तो ऐसे वो ही वाली फीलिंग लेगी। तो ये ना मैं काफ़ी सारी वीडियो में यूज़ भी कर चुका हूँ, और पर्सनली जब मैं क्लोज शॉट लेता हूँ ना तो मैं ये यूज़ करता हूँ। तो ये है बोया का माइक, यहाँ पर डेड कैट लगा हुआ है और ये प्लास्टिक की बॉडी से बना हुआ है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है BYVM190P। थोड़ा लंबा हो गया थोड़ो। यहाँ पर फॉर्म मिलती है आपको बॉक्स के अंदर बहुत अच्छी अच्छी, और यहाँ पर कैरी बैग, और यहाँ पर यूज़र मैनुअल, और यहाँ पर फिर से सिलिकॉन जेल। एंड साइड कर लेते हैं अभी से, तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। ये अप टू 10+ dB, 0 dB और -dB में आपको सेटिंग देखने के लिए मिलती है। ग्रीन कलर की लाइट शो करेगा इस साइड, और आपको इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया +10 dB 0 एंड -10 dB देखने के लिए मिलता है ऑप्शन। तो मैं इसको जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो +10 dB पर यूज़ करता हूँ। नॉइज़ कैंसिलेशन में इतनी अच्छी नहीं आती आवाज़। अगर आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुननी है तो मैंने यहाँ पर आई बटन पॉपअप करा हुआ है, वो वाली वीडियो में मैंने इसे यूज़ करा हुआ है, तो आप सुन सकते हैं उसे जाकर। और अगर आप मतलब ऐसे व्लॉगिंग का सोच रहे हैं ना कम बजट में, तो इसे बाय कर सकते हैं, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहुँच जाइए अगर लेना है तो। और पर्सनली जैसे मैंने बताया मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ, तो लगा लेते हैं इसे भी। ऐसे देखो बिल्कुल प्रोफेशनल वाला लग रहा है सेटअप। और यहाँ पर फ़ोन को एडजस्ट करेंगे हम, तो इसे ना डेड कैट को नॉर्मली जब ही लगाते हैं हम जब बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर मेरा सेटअप थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, ठीक है। तो M20 को एडजस्ट कर लेते हैं। अब तो यहाँ पर कुछ मैंने शॉर्ट्स लिए हैं यूलान जी को यूज़ कर, तो आप उन्हें इन्जॉय कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ मैंने मेंशन करा हुआ है किस शॉट में मैंने यूलान जी और लेंस को यूज़ करा हुआ है, किस शॉट में मैंने सिर्फ यूलान जी को यूज़ करा है, और किस शॉट में मैंने यूलान जी को यूज़ नहीं करा। और ये जितनी भी वीडियो होने वाली है वो मैंने सैमसंग M20 से शूट करी है, उसके अंदर कोई EIS का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। सो एन्जॉय दिस। यहाँ पर मैं अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ सेटअप के बारे में, इससे स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्त सा लगता है देखने में, प्रोफेशनल सा। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं या व्लॉगर हैं तो आप कुछ इससे ना इस तरीके से भी कर सकते हैं शूट वीडियो को। हेलो गाइस, माय नेम इज़ पीयूष, और आप देख रहे हैं HFVN बॉक्स। और तो क्या अंदाज़ है आपके भाई का, और आपका साथ है तो अंदाज़ तो खास होगा ही ना। ऐसे अभी आपको ना थोड़ा ब्लर लग रहा होगा, एक तो M20 का कैमरा बहुत माशाल्लाह है, और ऊपर से मैंने लेंस भी लगाया हुआ है, वो भी वाइड एंगल, वो भी 16mm। तो अगर आपको ये बाय करना है तो मैं बस आपको दो रीज़न बताता हूँ इसे बाय करने के। एक तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो अगर आप जस्ट स्टार्ट करें यूट्यूब पर, आपको अपनी काबिलियत पर ऐसे भरोसा है पूरा वाला, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, 2-3 साल तक कहीं नहीं जाने वाला। बात करें इस लाइट की, तो इसे बिल्कुल मत खरीदना भाई, नहीं देते, बैटरी ऑन भी नहीं हो रही है, ना इसके साथ चार्जर दिया गया। इस माइक की बात करें तो माइक को बाय कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आपके पास मतलब अभी ऐसे 24-25 हज़ार रुपये नहीं है, तो यहाँ पर आराम से रोड के शॉटगन माइक को दे देगा कंपटीशन, तो इसे बाय कर लीजिए, उससे सस्ता भी है ये। बात रही M20 की, M20 की वीडियो ऑन द वे है, नेक्स्ट वीडियो आपको इसी के बारे में मिल जाएगी। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी कूलर एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया करें, डू वॉच योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून विद HFVN बॉक्स गाइस, बाय। ऐसे करके आर पे पहुंचा, आर से बड़ा फिर झूठे प्यार से गया बड़ा, फिर 21 साल की उम्र में दी मैंने रिस्पेक्ट बड़ा, फिर सीखा दिन दुनिया के अच्छे बुरे को मैंने, हल्के में और कल के हैं वो बंदे, कच्छल के उनके बिंदल के हैं, ईमान के इज्जत के बर्तन दोनों ही खाली है, जाली है, सर पर टोपी गांधी की पूरे मवाली है, ताली है, भाषण में कहते हैं महिलाओं।